हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो है फिर से जाना है सीएमसी वेलोर हॉस्पिटल पे, क्योंकि मेरा पिताजी का फर्स्ट हाफ में अपॉइंटमेंट है इन नेफ्रोलॉजी, किडनी वाला सेक्शन में। एंड प्रीवियसली जब पिताजी दिखाए थे तो कुछ टेस्ट दिया गया था जो कि उन्होंने करा लिया है। तो अब जो है वो टेस्ट रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टर बताएंगे कि आगे कौन सा मेडिकेशन लेना है या क्या स्टेटस है, जो जान लेना है। तो अभी 11 बजे वहाँ पर जाके रिपोर्टिंग टाइम दिया है, ताकि से 12-1 बजे तक हो जाना चाहिए। सो दैट्स वन थिंग। एंड सेकेंडली, सेकेंड हाफ में मेरा खुद का डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट में अपॉइंटमेंट है, जहाँ कि मेरा मुझे तो ऑलरेडी अपना थोड़ा हेयर के लिए मेडिसिन दे दिया है, मतलब एक ड्रॉप दिया है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो है, जो मेरा टेस्ट किया गया था वो टेस्ट का रिपोर्ट भी जो है आज दिखा के अल्टीमेटली मेरा वाइटल या हार्मोनल सब मतलब ठीक ठाक है कि नहीं, थोड़ा सा पूछ लेना है। तो बेसिकली वही ही है, मेजर तो जो था कल ही था कार्डियोलॉजी का, वो हो चुका है। सो इफ एवरीथिंग गोज वेल तो मोस्ट प्रोबेबली आज ही जो है सब कुछ इधर सिमट जाएगा। बस प्रे कर रहे हैं कि नेफ्रोलॉजी में कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन ना आए। तो वंस दैट इज़ डन, हम लोग जो है तत्काल रेलवे टिकट के लिए मतलब जो है परस्यू करेंगे, क्योंकि यहाँ से जल्द निकलना है। क्योंकि सुनने में आ रहा है कि यहाँ भी बहुत कड़क वाला लॉकडाउन होने वाला है तमिलनाडु पे, तो यहाँ से निकलना है बैक टू धनबाद। एंड फिर वहाँ से जो है अपना अपना जगह दीदी कोलकाता में, मैं बैक टू दार्जिलिंग विथ माय पेरेंट्स। सो अभी जो सीएमसी वेलोर में जाने वाला हूँ, उसका अंदर का जो भी थोड़ा बहुत मैं वीडियो ले पाऊँगा, कॉन्टैक्ट्स एंड अदर इन्फॉर्मेशन वो मैं शो करने वाला हूँ। तो बने रहिए वीडियो में, क्योंकि हमेशा की तरह ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। सो सी यू गाइस सून एंड यू गाइस एंजॉय द वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो क्या हालचाल है? तो फाइनली जो है आज फिर आई एम बैक इन माय रूम फ्रॉम सीएमसी वेलोर हॉस्पिटल। तो आज जो है मेनली मैं गया था अपना डर्मेटोलॉजिस्ट को रिपोर्ट दिखाने के लिए, चेक करने के लिए। एंड पिताजी का भी जो है नेफ्रोलॉजी मतलब किडनी वाला डिपार्टमेंट में अपॉइंटमेंट था, जिसको मैंने पिताजी को जो है दीदी लेके गई थी। तो पहले तो जो है मैं अपना डर्मेटोलॉजी को दिखा लिया, एंड आज थोड़ा लेट से घर से निकला था क्योंकि अपॉइंटमेंट थोड़ा सा लेट से ही था। तो रिपोर्ट तो सब ठीक ठाक ही था, थोड़ा सा हेमोग्लोबिन मेरा ज़्यादा है बोल रहा है,
तो हमसे पूछा कि आप स्मोकिंग करते हैं, जनरली स्मोकर्स का हेमोग्लोबिन ज़्यादा हो जाता है। हम बोले नहीं, आई डोंट स्मोक, आई डोंट ड्रिंक। तब उन्होंने बताया कि मे बी इट्स बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन, यहाँ पे पानी कम पी रहे हैं या फिर धूप में ज़्यादा घूम रहे हैं, एंड क्योंकि मैं हाई ऑल्टीट्यूड में रहता हूँ तो वो भी एक रीज़न है कि जो लोग हिल एरियाज या हाई ऑल्टीट्यूड में रहते हैं उन लोगों का हेमोग्लोबिन प्रोडक्शन थोड़ा ज़्यादा होता है। तो सर्टेन लिमिट तक तो ठीक है, बट ज़्यादा अगर बढ़ जाए एक लिमिट से बाहर तो वो भी जो है आपका शरीर के लिए हानिकारक होता है। तो फिलहाल हमको बोला गया कि ठीक है, आप जो है वापस जब जाइएगा 2 महीने के बाद 2-3 महीने के बाद आराम से इसको जो है चेकअप कराते रहिएगा टाइम टू टाइम, सो दैट आपको पता चले कि ये मतलब इंक्रीज़ हो रहा है कि मतलब ऐसे टेम्पोरेरी है कि कम बेसी हो रहा है, तो ठीक है वो हो गया। दूसरा जो है फोलिक एसिड जो है थोड़ा सा कम था, थोड़ा सा, तो उन्होंने बताया कि आप जो है एक विटामिन मैं देता हूँ उसको लीजिए, 3 महीना खाइए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो वो हुआ, तो उतना में ही मेरा काम जो है सिमट गया, एंड आई ऑल्सो पेड एडिशनल 170 rupees टू गेट द हार्ड कॉपी ऑफ ऑल द ब्लड टेस्ट दैट वॉज डन। सो इसके बाद मैं चला गया वहाँ से डायरेक्ट डायमंडोलॉजी सेक्शन से डायरेक्ट नेफ्रोलॉजी में, जहाँ पे मेरे दीदी और पिताजी वेट कर रहे थे। तो दीदी एंड पिताजी भी दिखाया डॉक्टर को, उसमें थोड़ा सा वेट करना पड़ा कि वो जो डॉक्टर है वो मैडम थोड़ा मतलब टाइम लेके देखती है। तो वहाँ बेसिकली कुछ नहीं हुआ, पिताजी का जो प्रीवियस किडनी का कंडीशन था मोरलेस इट्स द सेम, थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है बल्कि, एंड लीवर में छोटा छोटा सिस्ट है, किडनी में लेफ्ट राइट किडनी में भी थोड़ा सिस्ट है, बट दोज आर नॉट हार्मफुल येट। एंड उन्होंने बस प्रेस्क्राइब किया कि डाइट थोड़ा कंट्रोल में किया जाए, कोई एडिशनल दवाई भी नहीं दिया, डाइट कंट्रोल में करना पड़ेगा, सॉल्ट जो है 3 grams से ज़्यादा एक दिन में नहीं खा सकते हैं, एंड कुछ पर्टिकुलर मतलब मेडिसिन का मतलब कुछ केमिकल्स जो मेडिसिन में रहते हैं वो अवॉइड करना है, वो भी लिस्ट दे दिया है, एंड वही मतलब बेसिकली सेहत का ध्यान रखना, कुछ चीज़ थोड़ा परहेज करना है, एंड उसका भी जो है हम लोग 170 rupees फिर से पे करके एडिशनल उसका जो है पूरा हार्ड कॉपी ले लिए हैं। एंड उसके बाद जो है हम लोग घर आ गए, एंड अभी के लिए इतना ही, मतलब सबका सब क्लियर हो चुका है। अब जो है जल्द से जल्द मुझे वापस जाना है धनबाद पे, एंड फिर वहाँ से दीदी अपनी जगह, मैं अपना जगह, एंड आई विल टेक माई मदर एंड फादर विथ माई सेल्फ। तो वो है, एंड इन द मीन टाइम हम लोग ट्रेन में अभी गया था तत्काल जो ट्रैवल एजेंट है उन लोग के पास की बुकिंग कर देने के लिए। तो दिक्कत ये हो रहा है कि जिस ट्रेन से मैं आया था LFP धनबाद से LFP बहुत बढ़िया ट्रेन है, उससे मैं भी बुकिंग बहुत पहले किया था आते टाइम, तो अभी जो है वो बोल रहा है कि उसमें इतना रश चल रहा है कि तत्काल में 4 लोगों का एट ए टाइम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो उसने तो भाई हाथ खड़ा कर दिया, तो ही वॉज ट्रेन जब ऑल्टरनेट रूट से जाइए हम कर देते हैं। तो उसने बोला कि आप काम कीजिए, आप कटपदी स्टेशन से चेन्नई जाइए, चेन्नई सेंट्रल, एंड वहाँ से जो है आसनसोल के लिए एक ट्रेन है, एंड आसनसोल से जो है आप धनबाद आ जाइए। तो वो भी उतना ज़्यादा बुरा नहीं है, क्योंकि ऐसे भी यहाँ से ट्रेन पकड़ते हैं तो चेन्नई होके ही जाता है, बस फ़र्क इतना है कि हमको ब्रेक जर्नी करना पड़ रहा है, एंड चेन्नई में कुछ देर तक हमको स्टेशन में रुकना पड़ेगा, तो वो एक चीज़ है। तो कल सुबह मैं फिर जाऊँगा, सुबह बुलाया है मुझे 10 बजे के, आप बैठिएगा, आपका सामने में बुकिंग करने वाला होता। हम बोले ठीक है भाई, डिटेल विटेल दे के आया, थोड़ा बहुत एडवांस भी दे के आया हूँ, तो कल जाऊँगा, एंड होपफुली कल टिकट बन जाएगा, वी रियली नीड इट। एंड जल्द से जल्द यहाँ से निकलना है, घर जाना है, एंड उसके बाद जो है अपना अपना जगह जाना है, आई नीड टू गो बैक टू माई ड्यूटी, ज्वाइन करना है ऑफिस में काम, एंड पिताजी मम्मी का भी ख्याल रखना है, एंड उसके बाद जो है बहुत सारा प्लानिंग करना है, फिनेंशियल प्लानिंग एंड हेल्थ प्लानिंग फॉर माई फैमिली, तो वो भी है। तो बेसिकली यही है, आज उतना ज़्यादा कुछ था नहीं, मेनली पिताजी को दिखाना था, मेरा रिपोर्ट लेना था, तो आज के लिए सब। आज उतना कुछ क्रिटिकल न्यूज़ कोई भी जगह से नहीं सुनने मिला, जैसे कि कार्डियोलॉजी पे मिला था, सो दैट्स लाइक अ गुड थिंग, एंड बस वही है। तो 1-2 दिन और रुकना है, फिर निकल जाना है, होपफुली टिकट बढ़िया से मिल जाए हम लोग को, एंड फिर घर जाने के बाद अपना जगह निकल जाना है, और उसके बाद जो है फिर देखते हैं आगे का क्या होगा। तो आज का व्लॉग में भी मैं जितना हो सके, जितना शूट कर पाया उतना मैंने आप लोग के साथ शेयर किया, होपफुली आप लोग को उससे थोड़ा बहुत कुछ जानकारी और मिल जाएगा। तो ये जो मेरा व्लॉग्स में बना रहा हूँ आपका day 1, day 2, day 3 करके CMC व्लॉग का, ये अलग सा मैंने एक प्ले लिस्ट पर जो है सेव करके रखा हुआ है, तब वो प्ले लिस्ट में जाइएगा। तो day 1 से मतलब जब आप ट्रेन से आए वहाँ से लेके जब मतलब रिटर्न हो रहे हैं, आपको टोटल एकदम डिटेल मतलब मिल जाएगा, हॉस्पिटल का अंदर का अलग अलग सेक्शन, डेंटल, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, गायनेकोलॉजी, फिर आपका ऑर्थोपेडिक्स, मतलब
जितना कवर कर सके लगभग मैंने कवर किया हुआ है एंड बहुत सारा जानकारी भी दिया हुआ है। तो सब जो है अगर कोई भी व्लॉग आपके इससे पहले का छूटा हुआ है मेरा, अब ज़रूर जाके चेकअप मतलब चेक कीजिए। आई एम लाइक आपको मैं एश्योरेंस दे रहा हूँ कि कुछ आपको नया जानने मिलेगा, कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिलेगा जो कि शायद आपको काम में आ जाए। सो यही है, ज़्यादा लंबा वीडियो को मैं अभी खींचूँगा नहीं। एंड सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, एंड अगर कुछ आपको नया जानने मिला, कुछ नया सीखने मिला, तो एक जो है आप लाइक ज़रूर बनता है वीडियो के लिए, लाइक को हिट कीजिए। एंड इफ़ यू गाइज आर न्यू टू माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड सपोर्ट मी, क्योंकि मैं इसी तरीके से जो है आपका इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स बनाते रहता हूँ। सो सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल द न्यू गाइज प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद।